हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मून नाइट वेब सीरीज के फोर्थ एपिसोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में रिलीज हुई मार्वल की न्यू वेब सीरीज के चौथे एपिसोड को, जिसका नाम है मून नाइट। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा बड़ी ना करते हुए अब मैं आपको बताता हूँ मून नाइट वेब सीरीज के चौथे यानी फोर्थ एपिसोड की स्टोरी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मून नाइट वेब सीरीज के छोटे एपिसोड की शुरुआत होती है कोंशु से, जब कोंशु को सभी देवी देवता मिलकर पत्थर बना देते हैं तो वो उसे एक अलग जगह पर रखने जाते हैं और वहाँ हमें और भी बहुत से देवी देवता दिखाई देते हैं जो कोंशु की तरह पत्थर बने हुए होते हैं। और फिर हम लायला और स्टीवन का सीन देखते हैं जो रेगिस्तान में होते हैं और स्टीवन वहाँ बेहोश पड़ा हुआ होता है। और जब लायला स्टीवन को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है तभी वहाँ और थर के लोग आ जाते हैं और उन लोगों पर गोलियां चलने लगते हैं। लेकिन लायला अपनी कार में जाकर कुछ ऐसी चीज ढूंढती है जिससे वो उनसे बच सके। और फिर लायला को अपनी कार में रेड फ्लावर्स दिखाई देती हैं और तभी लायला उन रेड फ्लावर को और थर के लोगों की कार में डाल देती है और वो रेड फ्लावर्स उनकी कार में ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से और थर के सभी लोग मारे जाते हैं। और फिर देखते ही देखते स्टीवन भी होश में आने लगता है और जब स्टीवन ये सब देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि लायला ने ये सब कैसे किया। और फिर लायला और स्टीवन अपनी कार में बैठकर वहां जाते हैं जहां एबिट का मकबरा है। लेकिन रास्ते में मार्क स्टीवन से कहता है कि मुझे अपना जिस्म वापस करो, लेकिन स्टीवन ऐसा नहीं करता क्योंकि मार्क लायला की कोई भी बात नहीं मानता, बस जो उसके दिल में आता है वही करता है। और वे दोनों उस जगह पर चले जाते हैं जहां एबिट का मकबरा होता है और वहां उन्हें वो जगह दिखाई देती है जहां औरतर खुदाई कर रहा था। और फिर स्टीवन लायला से कहता है कि मार्क तुम्हें कोंशु से बचाना चाहता है, क्योंकि कोंशु ने मार्क से कहा था कि अगर मेरा साथ छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे किसी अपने को तुम्हारा अवतार दे दूंगा और इसीलिए मार्क तुमसे दूर जाना चाहता था ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर वो दोनों जहां औरतर खुदाई कर रहा था उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहां उन्हें बहुत ही अमेजिंग चीजें दिखाई देती हैं जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। और जब वो उस गुफा के अंदर जाते हैं तो वो गुफा उन्हें भूल भुलैया जैसी लगती है और फिर उन्हें एक चीज दिखाई देती है और जब वो लोग उसे देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि एबिट का अवतार एक फेरो था यानी इजिप्ट का राजा। और स्टीवन अपने माइंड का यूज करके उस भूल भुलैया के अंदर जाने का रास्ता निकाल लेता है। और जब वो दोनों उस रास्ते पर चलने लगते हैं तो उन्हें वहाँ खून पड़ा हुआ दिखाई देता है और वो दोनों बहुत डर जाते हैं। और फिर वो दोनों उस रास्ते से नहीं जाते और दूसरा रास्ता खोजने लगते हैं और उन्हें दूसरा रास्ता भी मिल जाता है। और जब वो दोनों उस दूसरे रास्ते के अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ गोलियां चलने की आवाज आती है और उनके सामने एक बहुत बड़ी मम्मी आ जाती है और वो दोनों उस मम्मी को देखते ही छिप जाते हैं और वो मम्मी वहाँ पर एक आदमी को मार डालती है। और फिर वो मम्मी स्टीवन को देख लेती है और उन दोनों पर हमला कर देती है। और फिर वो दोनों उस मम्मी से बचने के लिए अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं और जिस रास्ते पर लायला जा रही होती है वहाँ पर खाई होती है और लायला जैसे तैसे करके उस खाई को भी पार कर देती है। लेकिन जब लायला उस खाई को पार कर रही होती है तो उसे एक मम्मी आकर पीछे से अपने साथ ले जाती है और फिर लायला उस मम्मी से फाइट करने लगती है और वो दोनों एक खाई में गिर जाती है। लेकिन किसी तरह लायला उस खाई से बच जाती है और फिर वहाँ और थर आ जाता है और तभी हम स्टीवन का सीन देखते हैं जो वहाँ पहुँचता है जहाँ फेरो का मकबरा होता है। और फिर मार्क स्टीवन से आईने के थ्रू बात करने लगता है और कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुमने लायला से सच कहा। और फिर स्टीवन उस मकबरे के अंदर चला जाता है और वहाँ उसे एक बहुत बड़ा ताबूत दिखाई देता है। और जब स्टीवन उस ताबूत के अंदर देखता है तो उसे उसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट का ढांचा दिखाई देता है। और जब स्टीवन अलेक्जेंडर के ढांचे को चेक करने लगता है तो उसे लगता है कि अलेक्जेंडर ही एबिट की आवाज थे। और फिर हम ऑर्थर का सीन देखते हैं जो लायला को ये बताता है कि तुम्हारे पिता को आतंकवादियों ने मारा था और मार्क भी उन आतंकवादियों में से ही एक था। और इतना सुनकर लायला बहुत गुस्से में आ जाती है और वहां से चली जाती है। और फिर लायला स्टीवन के पास आ जाती है और वहां हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन को एबिट की मूर्ति मिल चुकी होती है। लेकिन लायला बहुत गुस्से में होती है और वो मार्क से पूछती है कि क्या तुमने ही मेरे डैड को मारा है। तो फिर स्टीवन मार्क को अपना शरीर दे देता है और मार्क लायला से कहता है कि अभी हमें यहाँ से जाना होगा, मैं तुम्हें ये सब बात बाद में बता दूंगा। लेकिन लायला वहाँ से नहीं जाती और कहती है मुझे अभी इस बारे में बताओ। और फिर मार्क लायला से कहता है कि हाँ मैं वहाँ था,
जहाँ तुम्हारे डेट की मौत हुई, लेकिन मैंने तुम्हारे डेट को नहीं मारा बल्कि मैं उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन मुझे उस वक्त गोली लगी थी और इसीलिए मैं तुम्हारे डेट को नहीं बचा पाया। और फिर वहाँ ऑर्थर के लोग और ऑर्थर आ जाता है और मार्क से ऑर्थर कहता है कि अब तुम आजाद हो क्योंकि कौनसु मूर्ति बन चुका है, वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और फिर ऑर्थर मार्क से एबिट की मूर्ति मांगता है, लेकिन मार्क ऑर्थर को एबिट की मूर्ति नहीं देता और ऑर्थर के लोगों से फाइट करने लगता है, लेकिन फाइट करते वक्त ऑर्थर मार्क के गोली मार देता है और फिर मार्क बेहोश हो जाता है। और जब मार्क की आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है और एक व्हीलचेयर पर बैठा होता है और उसे वहाँ लायला भी दिखाई देती है। और फिर मार्क खुद को एक शीशे में देखता है तो स्टीवन का नाम लेने लगता है और तभी मार्क अपनी चेयर से नीचे गिर जाता है और मार्क के हाथ में मून नाइट का एक टॉय भी होता है। और फिर वहाँ ऑर्थर आ जाता है जो कि एक डॉक्टर होता है और ऑर्थर मार्क से कहता है कि तुम्हारे लिए ये मुश्किल है कि हकीकत और ख्याली दुनिया में फर्क कर पाना। और उसके मन में जो स्टीवन नाम का आदमी है वो दरअसल एक फिल्म का करेक्टर है जिसको मार्क सच में मान बैठा है। दोस्तों ये सब मार्क के साथ ऑर्थर ही कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि जो कुछ भी मार्क ने अब तक किया है वो ये सब भूल जाए और उसे लगे कि ये सब एक सपना था। लेकिन मार्क को ये याद आ जाता है कि ऑर्थर ने उसे गोली मारी थी और फिर मार्क उस जगह से भागने लगता है और वो वहाँ से भागकर एक हॉस्पिटल के एक रूम में आकर छिप जाता है और वहाँ उसे एक ताबूत दिखाई देता है जिसके अंदर से स्टीवन की आवाज आ रही होती है। और जब मार्क उस ताबूत को खोल कर देखता है तो उसमें से स्टीवन बाहर निकलता है और वो दोनों ये देख कर बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये सब आखिर कैसे हुआ। और फिर मार्क स्टीवन से पूछता है कि आखिरी बार ऑर्थर ने तुम्हारे साथ क्या किया था, क्या तुम्हें याद है? तो स्टीवन मार्क से कहता है कि हाँ मुझे याद है, ऑर्थर ने मुझे गोली मारी थी। और फिर वो दोनों गले लगते हैं और फिर उन दोनों को ये पक्का पता चल जाता है कि ऑर्थर ने हमें एक अलग टाइम में लाकर फंसा दिया है। और फिर वे दोनों उस रूम से बाहर निकलने लगते हैं और बाहर आकर उन्हें एक और ताबूत दिखाई देता है जो कि हिल रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो उस ताबूत को खोलने की कोशिश करते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा हिप्पो आ जाता है और वो हिप्पो उन दोनों को देखकर हेलो करता है और मार्क और स्टीवन उस हिप्पो को देखते ही बहुत डर जाते हैं। और दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मून नाइट वेब सीरीज के 4 एपिसोड की स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।